Hello everyone, welcome back. So this is Bhavna Puri and today we will talk about chapter number 9 of class 12. So aaj ka jo hamara topic hai wo hai plant breeding for disease resistance. To plants mein disease ko resistance banane ke liye, plants ko disease resistant banane ke liye plant breeding technique ka use kiya jata hai taki production bahut zyada ho, यानी कि यील्ड बहुत ज्यादा हो, साथ साथ जो प्लांट्स हैं उनमें लगने वाली जो अलग अलग पैथोजेंस की वजह से अलग अलग बैक्टीरिया फंजाई या फिर वायरस से होने वाली डिजीज को बचाया जा सके, इसलिए हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग क्रॉप्स के नाम मेंशन किए हुए, उनकी वैरायटी के नाम मेंशन किए हुए और कौन से डिजीज से उनको रेजिस्टेंस मिला है वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस इज द टेबल फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स में फंगस, बैक्टीरिया और वायरस कौन कौन सी बीमारियां करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंगस से होने वाली बीमारियों को, ठीक है। तो फंगस कौन कौन सी डिजीज करवा सकता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके अलावा रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। ये कौन कौन से डिजीज है और किससे होती है। फंगस से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसके अलावा जब भी फंगस के डिजीज के बारे में बात करेंगे तो रस्ट भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, राइट। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमने फंगस से होने वाली जो बीमारियां प्लांट्स के अंदर वो पढ़ी। अब हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं वो भी आप उसमें एक रस पढ़ोगे, रस्ट ऑफ क्रूसिफर, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख लिया है ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसिफर, ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसिफर। देन वायरस से होने वाली कौन सी बीमारी है जो प्लांट्स में होती है, आपको एक गिवन होगा टोबैको मोज़ेक एंड देन टर्निप मोज़ेक, ठीक है। सो दीज आर द डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस सच एज फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरस, राइट। यहां पर जो टेबल है एक बार इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट ब्रीडिंग को जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला जो स्टेप था इट वॉज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। हम क्या करेंगे, किसी भी एक ऐसे डिजायरेबल जीन को या फिर कैरेक्टर को अपने माइंड में डिसाइड करेंगे जो कि हम चाहते हैं। या तो वो कोई ऐसा जीन हो सकता है जो कि डिजीज से रेजिस्टेंस बनाता हो, या फिर कोई ऐसा जीन हो सकता है जो कि हाई प्रोडक्टिविटी देता, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसके अंदर हमने जर्म प्लास्ट कलेक्शन को पढ़ा था। सेकंड था इवेल्युएट करना उन पेरेंट्स को जिनके पास हमारे सेलेक्टेबल जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो सेकंड स्टेप वॉज इवेल्युएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए थे अब उन डिजायरेबल कैरेक्टर्स को पोजेस करने वाले पेरेंट्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। सो थर्ड स्टेप क्या था, हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। जैसे ही आप उन सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो दोनों के पास जो हमारे डिजायरेबल फीचर्स प्रेजेंट थे वो क्या होंगे, हाइब्रिड में आएंगे, यानी कि जो न्यू वैरायटी आएगी उसके अंदर आएंगे, राइट। ये प्रोसेस काफी ज्यादा टीडियस है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो हाँ ये एक कन्वेंशनल मेथड की डिसएडवांटेज हो सकती है। दूसरे अगर डिसएडवांटेज आपसे पूछी जाए तो आप ये बताओगे कि जरूरी नहीं है कि सभी डिजायरेबल फीचर्स प्रोजेनी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि अनवांटेड या अनडिजायरेबल होंगे, राइट। तो तीन स्टेप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चौथा स्टेप क्या होगा, जब आपने सेलेक्टेड पेरेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन करवा दी है तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, प्रोजेनी। अब उस प्रोजेनी को
यानी कि उन रिकॉम्बिनेंट्स को आप टेस्ट करोगे, फिर ये सेलेक्ट करोगे कि इनमें से कौन सी प्रोजेनी ऐसी है जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कैरी करती है, पोजेस करती है। क्लियर है? जैसे ही हमें अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कैरी करने वाली प्रोजेनी यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, हम उनको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन। तो फाइनली पांचों स्टेप्स प्लांट ब्रीडिंग में फॉलो किए जाएंगे। उसके रिजल्ट में हम किसी भी क्रॉप को, किसी भी वैरायटी को डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल में हमें गिवन है, एक तो वीट की वैरायटी हीमगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किससे रेजिस्टेंस मिला था, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिलबर्न। अब लीफ और स्ट्राइप पे जो रस्ट पहले लगा करता था, हमने क्या किया है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करके, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का यूज करके वीट की एक ऐसी वैरायटी डेवलप करवाई है जिसमें ये बीमारियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो डिजीज रेजिस्टेंट है। क्लियर है? सिमिलरली ब्रासिका में, सरसों में, पूसा स्वर्णिम आपको गिवन है, व्हाइट रस्ट से रेजिस्टेंट है। कॉलीफ्लावर में आपको दो वैरायटीज गिवन है, पूसा सुब्रा एंड स्नोबॉल केवल। इसमें ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंट होगा। नेक्स्ट है काउपी, जिसमें पूसा कॉमन एक आपको वैरायटी गिवन है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज चिली, जिसकी वैरायटी आपको गिवन है पूसा सदाबहार। और यहाँ पर आप देखोगे तो वो वायरस से होने वाली जो डिजीजेस है, वायरस के इन्फेक्शन से क्या होगा, उसके पास रेजिस्टेंस होगा। सो ये हमने किसके बारे में बात की है, डिजीज रेजिस्टेंस में। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को अगर बनाना है तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ साथ कई बार इस कन्वेंशनल मेथड का यूज करके कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं। तो अगर हम उन डिजायरेबल फीचर्स को ही आगे ले जाना चाहते हैं जिससे हमें फायदा होगा, तो हमें एक और प्रोग्राम है जिसका हम यूज कर सकते हैं एंड दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे उस प्रोग्राम को, म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसमें क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन, अगर आपको वर्ड पता है तो आप जानते हो कि म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और जीन्स। चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और जीन्स हम म्यूटेशन करवा सकते हैं आर्टिफिशियली किसी केमिकल का या किसी फिजिकल मेथड से यूज करके। एक एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो गामा रेज का एग्जांपल है। तो आप याद रखिए कि गामा रेज का यूज करके भी म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है प्लांट्स के अंदर। और उससे क्या होगा, जो अनडिजायरेबल जीन्स है उनको एलिमिनेट करके ऐसे जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि प्लांट्स को डिजीज से रेजिस्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक प्लांट था, इसमें मैंने गामा रेज का यूज किया और इसको डिजीज रेजिस्टेंट बना दिया। ठीक है, तो म्यूटेशन करवा दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगी, किसी दूसरे प्लांट के साथ इस प्लांट को ब्रीड करवाऊंगी, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और इसके रिजल्ट में मुझे एक ऐसा प्लांट मिलेगा, एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट मिलेगा जिसमें दोनों ही प्लांट्स के फीचर्स जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हम चाहते थे वो अवेलेबल होंगे। राइट, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग की जो ये टेक्नोलॉजी है इसका यूज हमने किस में किया था, आपको एक एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है मूंग बीन का किससे रेजिस्टेंस थी, वो येलो मोज़ेक वायरस से। दूसरा पाउडरी माइल्डी। तो इन दोनों चीजों से मूंग बीन को रेजिस्टेंस दिलाने के लिए हमने कौन से टेक्निक का यूज किया था, ये टेक्निक वाज म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो आपको ये याद रखना है, म्यूटेशन ब्रीडिंग मूंग बीन में यूज की गई थी येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्डी से रेजिस्टेंस पहुंचाने के लिए। इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है जो कि भिंडी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसमें ए एस्क्यूलेंटस जो कि भिंडी का साइंटिफिक नेम है, आपको बताया हुआ है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम का यूज करके
भिंडी की इतनी ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन की गई थी, वो जो न्यू वैरायटी हमें मिली थी या फिर आप बोलोगे जो क्रॉप हमें मिली थी वो डिजीज रेजिस्टेंट थी और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा थी। इसी कारण, इसी रीजन से भिंडी की प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज हो गई कि हमने उसको एक क्रांति का नाम दिया, एक रिवोल्यूशन का नाम दिया और उसको कहा गया था प्रभानी क्रांति। भिंडी यानी कि लेडी फिंगर के लिए जब उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी उसके लिए कौन सी क्रांति यूज की जाती है? प्रभानी क्रांति। तो आपको याद रखना है कि प्रभानी क्रांति भिंडी के लिए यानी कि ए एस्किलेंटस के लिए यूज की जाती है और इसके अंदर भी येलो मोज़ेक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया गया था, राइट? तो ये हमने डिस्कस किया है प्लांट ब्रीडिंग इन डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो दोस्तों हमने बात की है कि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का यूज करके किस तरीके से डिजीज रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है प्लांट्स, राइट? हमने अलग अलग डिजीज के बारे में भी बात की थी, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियां। यहाँ पर हमने तीन डिजीजेस देखी हुई है जो फंगस से होती है। दिस इज ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये तीनों बीमारियां फंगस से होती हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हमने लिखी हुई है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर। वायरस से होती है टोबैको मोज़ेक एंड टर्निप मोज़ेक, राइट? तो जब डिजीज रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी तो बनाया जा सकता है ना। अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग टू मेक द प्लांट्स रेजिस्टेंट विद द इंसेक्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं किस तरीके से उनसे प्लांट्स को बचाया जा सकता है, ठीक है? उससे पहले मैंने आपको भिंडी के बारे में भी बताया था। भिंडी कौन सी क्रांति आती है जब लास्ट प्रोडक्शन ऑफ भिंडी होती है? प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति, राइट? और हमने उसका साइंटिफिक नेम भी देखा था ए एस्क्यूलेंटस, ठीक है? किससे रेजिस्टेंस थी भिंडी को? जो रेजिस्टेंस मिला था वो किससे मिला था? येलो मोज़ेक से। किससे रेजिस्टेंस मिला था? येलो मोज़ेक, ठीक है? तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस। सो लेट मी राइट इट हियर, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। इस टेबल को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर 12th स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि वो कौन से मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिर फिजिकल मेथड्स हैं जिनकी मदद से प्लांट्स अपने आप को बचा सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट से। तो मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिर कौन से जेनेटिक मेथड भी हो सकते हैं या फिजिकल मेथड भी हो सकते हैं जिससे प्लांट्स अपने आप को इंसेक्ट पेस्ट से बचाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला है हेयरी लीव्स। किसके अंदर मिलेंगी? कॉटन के अंदर जो हेयरी लीव्स होती है वो जैसेट से, ये क्या होते हैं? इंसेक्ट पेस्ट, जैसेट से रेजिस्टेंस दिलवाती है कॉटन को। बिल्कुल वैसे ही वीट के अंदर, वीट के अंदर जो हेयरी लीव्स है वो बीटल से उनको बचाती है। वीट के अंदर जो हेयरी लीव्स है वो सीरियल लीफ बीटल से उनको रेजिस्टेंस दिलवाएंगी, कॉटन को जैसेट से रेजिस्टेंस दिलवाती है, ठीक है? अभी हेयरी लीव्स क्या है, जैसे आपने वीट का सरफेस देखा होगा तो देयर आर सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना? ये क्या करती है, जो जैसेट्स आते हैं या फिर जो लीफ बीटल्स होते हैं उनके सर्वाइवल को मुश्किल बना देती है, ठीक है? जिस वजह से रेजिस्टेंस मिलता है वीट और कॉटन को। सिमिलरली वीट के अंदर जो सॉलिड स्टेम होती है, थिक स्टेम होती है, वो सॉ फ्लाई के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है एंड दिस सॉ फ्लाई कैन नॉट अटैक और हार्म द वीट क्रॉप। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो कॉटन के अंदर जो बॉल्स होती है, अगर कॉटन की लीव्स बहुत ही स्मूथ होंगी और कॉटन बॉल्स में नेक्टर नहीं होगा, अगर कॉटन बॉल्स में नेक्टर नहीं होगा तो बॉल वॉर्म से रेजिस्टेंस मिल सकता है कॉटन की क्रॉप्स को। एंड द लास्ट वन इज मेज स्टेम बोरर, मेज की खेती को बर्बाद करने वाले, बोरर मतलब छेद कर देने वाले ये जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, अगर उनसे मेज की क्रॉप को बचाना है तो एस्पार्टिक एसिड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर कंटेंट होगा,
तभी मेज स्टेम बोरर से हम मेज की खेती को यानी कि मेज की क्रॉप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है अलोंग विद दिस टेबल। इस टेबल में आपको गिवन है कि ब्रासिका यानी कि रेप सीड मस्टर्ड, जो सरसों के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, सरसों की एक इंप्रूव वैरायटी है जिसका नाम है पूसा गौरव। एंड दिस वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स, इन इंसेक्ट पेस्ट से बचाव होता है। मतलब अगर ये एफिड्स आकर मस्टर्ड की इस ब्रासिका इस वैरायटी को आकर पूसा गौरव को आकर अटैक करेंगी तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फ्लैट बीन, जिसकी दो वैरायटीज आपको गिवन है। एंड दीज वैरायटीज आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, कौन कौन से, जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ओकरा यानी कि भिंडी, इसमें पूसा स्वामी आपको गिवन है, पूसा A4, शूट एंड फ्रूट बोरर से, कौन से इंसेक्ट से, शूट एंड फ्रूट बोरर से इनके अंदर रेजिस्टेंस होता है। सो दिस इज ऑल, हमने ये पढ़ा है कि प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके हम डिजीज रेजिस्टेंट और इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।